नंदा यहाँ देखो दोस्तों, ये हैं हमारे दुल्हन राजा जी। कल दुल्हे हैं, कल दुल्हन कल दुल्हन लेने जा रहे हैं। हाय कर दो, हाय कर दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, तो आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं आपके बागेश्वर, क्योंकि हमारे स्टाफ में हमारे ललित मोहन जोशी जी की शादी होने वाली है, यानी उर्फ नाम साधु जी की शादी होने वाली है। आपने उनको हमारे ब्लॉग में कई बार बहुत बार देखा होगा, तो उनकी आज है शादी। तो आज है महिला संगीत, तो कल है बारात। तो कल बारात जो है बागेश्वर से अल्मोड़ा ही आ रही है, लेकिन हम लोग जो है सीधे आपका बागेश्वर ही जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मैंने एक जो है बहुत दूर से एक मित्र बुलाए हुए हैं, हमने उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के, ये हैं हमारे सचिन भाई। तो ये पहुँच गए थे हमारे वहाँ कल रात 8 बजे। इनको लेने के लिए मैं खैरना गया, 7:30 बजे वहाँ पहुँचे। ट्रैफिक जाम इतना था कि मतलब परेशान हो गए, तो इसलिए मैं वहीं सीधे डायरेक्ट आपका खैरना गया। 9 बजे हम लोग घर पहुँचे। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं, मैं और सचिन भाई जाने वाले हैं आपका आपका रानीखेत टू सीधे बागेश्वर जाने वाले हैं। हम जाएंगे भाई आपका अल्मोड़ा होते हुए जाएंगे। दो रूट दिखा रहा है, रानीखेत वाला भी दिखा रहा है और आपका अल्मोड़ा वाला भी दिखा रहा है। तो हम लोग जाएंगे अल्मोड़ा होते हुए, क्योंकि इनको हाईवे भी दिखाना है और खीम सिंह मोहन सिंह की दुकान भी दिखानी है, मिठाई की दुकान, ठीक है। तो बहुत से लोग से मिलना है हमें आज, तो फिलहाल नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो सर नाश्ता तो करो फिर, ठीक है। दोस्तों नाश्ता भी यहाँ पर तैयार है। नाश्ते में आज है मैगी। मैंने कहा तो मैं एक पहाड़ी तरीके से आपको मैगी खिलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने को सब्जी भी हमारे सब्जी बना रखी है, उन्होंने कहा कि सब्जी नहीं, बट हमें जो मैगी खिला दो आप। तो नाश्ते में मैगी खिला रहे हैं पहाड़ी स्टाइल में। तू भी आ रही? हाँ। कहाँ? हाँ, क्यों नहीं आए? तो फाइनल दोस्तों हम लोग तैयार हो गए हैं और हम निकल रहे हैं सीधे आपका घर से बागेश्वर की ओर निकल रहे हैं। तो भाई साहब भी तैयार हो गए हैं, सस्तों से कहेंगे हमारे साथ जो है प्रेम भी आ रहा है वहाँ तक। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो हम आपको ऐसे नज़ारे हम दिखाते रहेंगे, आपको बने रही आप माँ ही पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से, ठीक है। सचिन भाई आ रहे हैं, तो फाइनल दोस्तों रोड पर पहुंच चुके हैं। तो ये है माही पहाड़ी ब्लॉक की बाइक, इसको स्टार्ट करते हैं, फिर निकलते अपने सफर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आ जाएगी माही पहाड़ी ब्लॉक की बाइक जो है आपकी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी आज। तो सचिन भाई मेरे साथ हैं और यहाँ तक हमारे जो है आपके प्रेम भाई भी आ रहे हैं चौकी तक। तो दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं आपको बागेश्वर के लिए, तो हम आपको ऐसी नज़ारे दिखाते रहेंगे। ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा अनट्रेंड है मेरा, तो भाई दोस्त आ रहा है मेरे साथ यूपी का, तो इसका ज़्यादा अंदाजा इसको है नहीं वीडियो के बारे में। तो मैं क्योंकि माउंट में लेके नहीं आया, बट मैं हाथ से बनाऊंगा। अल्मोड़ा तक का मैंने बनाया रखा हल्का फुल्का दिखाएंगे, लेकिन मेन जहाँ है हम आपको वहाँ दिखाएंगे। और टाइम और आपके सुबह के 9 बज रहे हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं आपका गांव से बागेश्वर के लिए। क्या कह रहे हैं?
दोस्तों फिलहाल अभी हम धारणा बाजार में इनको शॉपिंग करा रही है ना। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, बढ़िया होंगे। तो टाइम और आपके 12:30 हो चुके हैं, अभी हम लोग पहुंचे हैं आपका बागेश्वर। यहाँ से दिखा रहा है 40 किलोमीटर और रह गया हमारा, और आज इतना ट्रैफिक जाम है क्योंकि आज जो है ना मतलब इतनी भीड़ हो रही ना, HR नंबर की गाड़ियाँ आपके DL और UP इतने टूरिस्ट है, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये लगे हैं जंगल में, यानी कहाँ जा रहे हैं ये भाई साहब। थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा बैठते हैं यहाँ पर, थोड़ा रेस्ट करते हैं यार ना, बहुत थक चुके हैं, सर में दर्द हो रहा है, यानी क्या हो गया धूप के हिसाब से, धूप के कारण ना बहुत तेज़ धूप है, और इस कारण थोड़ा रेस्ट करते हैं। अभी मात्र 1 घंटे पहुँच जाएंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों टाइम और आपका 2:15 बज चुका है, और हमने जो है ना 1.5 घंटा यहाँ पर रेस्ट कर लिया। अब हम लोग निकल रहे सीधे बागेश्वर की ओर, यानी जहाँ शादी हो रही है जोशी जी के, वहाँ को हम निकल रहे हैं। तो 1 घंटा रेस्ट कर लिया हमने, तो काफ़ी है, तो थोड़ा नींद जैसी हवा आ गई हमें क्योंकि थक गए थे ना। दोस्तों हम लोग पहुंच गए बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, पहुंच गए हम लोग। कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब आएगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से आया बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बड़ी मुश्किल से आया यार बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ना, बहुत दूर है यार। और हमारा जो है ना आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट हमारा, तो अपना शरीर बहुत दूर है। दोस्तों अब पहुंचने वाले हैं हम लोग, यहाँ से 15 किलोमीटर और रहेगा छात्र जी का घर, ठीक है, आपको वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये है जोशी जी का गांव, खांखर गांव, बागेश्वर। तो पार्किंग, बाइक के लिए पार्किंग नहीं मिल पा रही यहाँ पर। ये है खूबसूरत गांव, ये मंदिर है, यहीं पर हरी शादी। दोस्तों बाइक भी हमने जो ना सेफ जगह पर डाल दी है, यहाँ से कोई डर नहीं है। दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं खाकर गांव की ओर, जहाँ जोशी जी की शादी है आज, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली हमें वहाँ पर, पार्किंग बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए नया शहर है, तो इसलिए हम लोग जा रहे थे जोशी जी के वहाँ खाकर गांव में। आओ मालिक। हेलो। हाँ भैया, आज कहाँ जा रहे हो? आज साधु जी की शादी में जा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से खाकर गांव देख लीजिए आप लोग, यहाँ प्लान बहुत है, देखो सब लोग प्लान है, देखो कोई नहीं घर में, सारे लोग चले गए हैं आपके हल्द्वानी साइड को। क्या बात कर दी। तो दोस्तों ये आ गया घर, ये आ गया भाई साहब का घर, ये मंदिर की फोटो मैंने इस पर लिखी, स्टेटस में लगाया था उसने, नहीं ये
ये है दोस्तों गेट, ठीक है ना। साधु का रूमी वाला है। दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बट दूल्हे राजा से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जानिए वो कहाँ है, सुनसानी हो रही है यहाँ पर, ललित से मुलाकात नहीं हो पा रही है। दोस्तों ये हैं हमारे दूल्हे राजा जी, कल दूल्हे हैं, कल दुल्हन लेने जा रहे हैं। हाय कर दो, हाय कर दो। तो इनसे मिलिए आप, ये हैं ललित जोशी जी जो कल दूल्हा बनने को जा रहे हैं। ललित जोशी जी तो दोस्तों आपका महिला संगीत के लिए हमें पकौड़ी तैयार हो रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो महिला संगीत के लिए पकौड़ी तैयार हो रही है, ठीक हो गया। और आगे वाला ब्लॉग भी ले जाना, फिर आगे वाला ब्लॉग आगे क्या है? अच्छा आगे खींचा, अच्छा ये शाम की तैयारी हो रही है। दूल्हे राजा जी हम पहुंच गए थे यहाँ पर, सर कुछ कहोगे आप? क्या कहेंगे यार, कल कहेंगे तो आप, कल तो आप बंधक में, क्या बोलते उसको, बंधक। ये दूल्हे राजा को देखो ए भाई, ये तुम कब बन रहे हो? आप ही हमें पार्टी करा दी हमारी, ये हम लोग यहाँ पी रहे हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई ऐसा कुछ गलत चीज नहीं है। कॉफी है तो ये जोशी जी हमारे सर, आपको बहुत बधाई यहाँ एडवांस। और क्या कहते हैं मठपाल सर को आपको याद कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, और आपके लिए उन्होंने लिफाफा भेज रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद मठपाल जी का। ये है दूल्हा, डांस तो कर ले भाई, डांस अभी वहाँ करेंगे ना यार। यहाँ देखो, हेलो, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हेलो ललित भाई, ओए कहाँ पहुंचे हो जी, पहाड़ों में? दोस्तों यहाँ पर महिला संगीत स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने थोड़ा देखा वहाँ पर, लेकिन ना पहाड़ी कितनी बज रहे हैं यार, पूरे हिंदी की तुम्हें नाच रहे हैं, लेकिन बट अच्छा नहीं लग रहा है। चलो अपनी अपनी शौक है बट अपनी कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। हमारा अगर मेरे वहाँ शादी होती ना, हमारे अलमोड़ डिस्ट्रिक्ट हमारे गाँव में होती, हमारे पहाड़ उतराने की तो शादी होती ना भाई साहब, हमारे गाँव में होती तो आपको जो है सभी लोग पहाड़ी गीतों में ही डांस करते हुए मिलते, आपको दिखते। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, एक भी पहाड़ी गाना नहीं बजा अभी तक, कोई डांस ही नहीं कर रहा, हिंदी गाने में डांस कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मन लगा नहीं, हमें तो पहाड़ी गाना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है साधु जी के जो बगीचा है वहाँ पर घूमने के लिए आ रखे हैं, और उधर तो कुत्ते आ गए हैं तीन, और आराम आराम से आ जाओ, वो कह रहे हैं कि आप किधर क्या कर रहे हो, ये साधु जी का बगीचा है, ठीक है।
इसको डर लग रही है भाई को, डरो मत यार। तो साथ जी का बगीचा है, यहाँ घूमने के लिए आए हम लोग, और वहाँ चल रहा महिला संगीत, वो चल देखो भगाने के लिए आए हमें, ठीक है ना। तो आपको ऐसी नज़ारा हम दिखाते रहेंगे दोस्तों, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो सकता है। दोस्तों ये देखिए आप लोग कमरे लागे, कल से भाई बजी गिराएगी तुम्हें आप। अबे दूल्हे क्या हो गया दोस्तों, ये दूल्हा है। दोस्तों ये है आपका जोशी जी का गांव है, खांकर गांव है, काफी खूबसूरत गांव है, मजा आ गया। ये देखिए आप लोग, खेती होती मुझे लग रहा है तो ना। Thank you.
दोस्तों पता नहीं बड़ जी हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, अंधेरे में पता नहीं बड़ जी कहाँ जा रहे हो,
पता नहीं बर्जी हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, हम पकड़ रखा है। बर्जी कहाँ लेके जा रहे हो? तो दोस्तों आपके शाम के आठ बज रहे हैं, तो अभी खाना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और गाना ही बज रहा है। तो बर्जी हमें लेके आए यहाँ पर, हमें क्या करा रहे हैं, पार्टी करा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे, बताओ यार, मुझे लगा कुछ और लाए होंगे। तुम कम हो न हम कम है जानी। बैठे बना मेरे गाड़ी में मन मेरी बात, अरे बैठे बना